गर्मी का मौसम है और बाजार में आम की कोई कमी नहीं है। आम है पोषक तत्वों से भरपूर। जब आम कच्चा रहता है और जब ये पक जाता है तो इसके गुणों में थोड़ा फर्क आ जाता है। आज मैं बात कर रही हूँ कच्चे आम की। तो कच्चे आम में है वाइटामिन ए, जो कि आंखों की रोशनी के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें है वाइटामिन सी, जो कि स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको पिंपल की प्रॉब्लम है, दाग धब्बे की प्रॉब्लम है, तो इससे ये ठीक होता है। और इसके अलावा एसिडिटी की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो ये भी सॉल्व होती है। जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, कच्चा आम से ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है। तो ये थे कुछ खास गुण कच्चे आम के। चलिए इसके नुकसान की बात कर लेते हैं। तो अगर आप अधिक मात्रा में कच्चा आम खाते हैं तो आपको पेट में फूलन और ऐंठन की समस्या महसूस हो सकती है। और इसके अलावा अधिक मात्रा में खाने से शरीर में गर्मी बढ़ जाती है और कुछ लोगों को कच्चे आम से एलर्जी की प्रॉब्लम भी महसूस हो सकती है, खासकर स्किन में। तो ये थे कच्चे आम के बहुत सारे गुण और थोड़े से अवगुण। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप कच्चा आम का सेवन रेगुलरली करें, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट में करें। और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरे चैनल में आप सिर्फ खाना बनाना ही नहीं सीखते हैं, बल्कि आपको मिलती है खाने पीने से जुड़ी चीज़ों की जानकारी भी। नमस्कार, मैं हूँ ओम कुकरुमा और मैं करती हूँ आपका स्वागत डियर फूड में। आज मैं बनाने वाली हूँ कच्चे आम की चटनी, जो कि आपके सिंपल से खाने को स्वादिष्ट बना देता है। होप यू विल लाइक इट। नाउ जॉइन मी, विल कुक टुगेदर। मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक कच्चा आम, 3-4 लहसुन की कलियाँ, एक हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया पत्ता और थोड़ा सा पुदीना का पत्ता। हम आम का छिलका उतार लेंगे अच्छी तरह से और उसके बाद हम इसे छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। और इसी तरह हम लहसुन के, मिर्ची के, धनिया पत्ता और पुदीना पत्ता के भी टुकड़े कर लेंगे। अब लेंगे एक मिक्सिंग जार और हमने सारे इंग्रेडिएंट उसमें डालना है। उसके बाद स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसे फटाफट मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। कुछ इस तरह से एक फाइन पेस्ट रेडी करना है, हमने इसे निकालना है। और अब मैं ले रही हूँ लगभग आधा चम्मच सरसों का तेल और हमने इसमें डालकर अच्छी तरह से मिला लेना है। और खाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगने वाला है, आपके सिंपल से खाने में 4 चांद लगा देगा। खाकर बताइए आपको कैसा लगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप क्या रेसिपी देखना चाहते हैं आप वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। टिल देन, कीप ईटिंग एंड टेक केयर।